हेलो हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे लोग बात करना पसंद ही नहीं करते हैं। अरे ये तो लड़का है यार, लड़के नहीं रोते। पागल, तू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पक्का तेरी ही गलती होगी, वो लड़की सही होगी अपनी जगह। इस वीडियो में हम सब लड़कों से जुड़ी बातें करेंगे, लड़कों की जिंदगी से जुड़ी बातें करेंगे, उनकी फीलिंग्स के बारे में बातें करेंगे, कुछ सच है लड़कों के बारे में, उस बारे में बात करेंगे। अगर वो लड़का घर के अंदर रहे तो उसे निठल्ला बोलते हैं, वही लड़का अगर घर से बाहर चला जाए तो उसे बोलता है क्यों आवारागर्दी कर रहा है। अगर वो लड़का कहीं बाहर है, किसी मेट्रो में, किसी बस में, अगर उसकी नजर किसी लड़की पे पड़ गई गलती से, तो बोलेंगे देख कितना ठरकी है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। यार सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। अगर वो लड़का किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया और अपनी फीमेल फ्रेंड से बात करने लगा, उस रिलेशनशिप में रहते हुए सिर्फ बात करने लगा, तो बोलेंगे देख मुंह मार रहा है इधर से उधर, बिना कुछ सोचे समझे एकदम से जज कर देते हैं। अगर उस लड़के पे किसी लड़की ने गलत इल्जाम लगा दिया, कुछ उल्टा सीधा बोला, कुछ रोड पे बोल दिया अगर उसे, तो उसकी वहीं पे पिटाई होनी शुरू हो जाएगी। बोलेंगे 99% ये लड़का झूठ बोल रहा होगा, ये लड़की सही है। याद है ना आपको कैब ड्राइवर का केस। ये तो कुछ ऐसी बात है जो हमारे सामने आ गई, खुल गई है, वरना ऐसी बहुत बातें हैं जिसमें लड़के अंदर ही अंदर घुटके मर जाते हैं, उन पे गलत इल्जाम लगते हैं। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, कोई इमोशनल साफ दिल भी होता है जो रो जाते हैं एकदम से, पर उन इमोशनल और साफ दिल को जो एकदम से रो जाते हैं, तुम उसे बोल देते हो ना अबे ये तो मर्द नहीं है, रो गया ये तो, क्यों भाई हमें आंसू नहीं आ सकते, हमारा भी तो दिल है। अगर वो लड़का पैसे ना कमाए तो अपने बीवी बच्चे कैसे पालेगा, सब ये बोलेंगे। अगर वो लड़का पैसे कमा ले और उससे अपने शौक पूरे करने लगे तो बोलेंगे बिगड़ गया, आवारागर्दी, पैसों का भूत सवार है इसके पीछे। ये लोग ना बोलते ही रहेंगे, इन पर ध्यान मत देना। देखिए लड़के हर किसी के आगे ना अपने दिल की बात शेयर नहीं करते हैं, पर अगर वो अपने दिल की बातें किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो उसे बहुत ज्यादा स्पेशल समझते हैं अंदर ही अंदर। सब लड़के फ्लर्ट नहीं करते हैं, कुछ लड़के सच्चे प्यार की तलाश में भी होते हैं, परमानेंट एक साथी के, कि वो अपने दिल की बात शेयर कर पाए, हमेशा उसके साथ रह पाए, उससे प्यार कर पाए, पर कुछ परसेंटेज की वजह से सबको गलत मान लिया जाता है। लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं लड़के, लड़कों में ज्यादा क्षमता होती है यार सुनने की, वो जज नहीं करेंगे तुम्हें, बट वही है ना कुछ की वजह से सबको गलत मान लिया जाता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ होता है ना हम पे, घर वालों को संभालना है, जो शादी होगी उसके बाद पार्टनर को भी संभालना है, जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, उन सेक्रीफाइस को कोई नहीं देखता है, बस सब बोलते हैं ये तो लड़का है, क्या हो गया, मेहनत कर रहा है तो करता रहे ना। मुझे पता है कि लड़के इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम रोते हैं, कमजोर समझ लेते हैं ना खुद ही खुद को अंदर ही अंदर, क्योंकि इस दुनिया ने सिखा रखा है ना तू तो मर्द है, तू खुद को कमजोर नहीं दिखा सकता, अपने ऊपर ही सवाल उठा लेगा ना, तू मर्द है भी, तू क्यों रो रहा है, ये दुनिया बैठी है ना जज करने के लिए, रोते हैं हम, मैं बोल रहा हूं खुल के, हम जब रोते हैं जब अपने माँ बाप को देखते हैं हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं वो, या माँ बाप की आंखों में आंसू आए, या हमारी बहन की शादी हो जाए, हम वैसे ही तो लड़ते हैं, पर हम भी रोते हैं। जिस लड़की से हम प्यार करें और वो धोखा दे दे, हम भी रोते हैं, कभी कभी तकिए के नीचे मुंह रख के हम रोते हैं, कभी कभी हम बाथरूम में छुप के रोते हैं, हाँ हम रोते हैं, और हाँ हम रोते हैं, और रोते हैं हम। जब से पैदा हुए होते हैं सिखा दिया जाता है हमें कि हमें अपनी फैमिली को संभाल, जब से हम पैदा हुए होते हैं हमें सिखा दिया जाता है कि हमें अपनी फैमिली को संभालना है, जिम्मेदारियाँ उठानी है अपने बीवी बच्चों की, सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है हमसे कि इतना कमाएगा तो ये बनेगा बड़ा होकर, पर किसी ने हमारी एक्सपेक्टेशंस पूछी हमसे, मेरा भी तो मन कर सकता है एक्टिंग में जाने का, मुझे भी तो क्रिकेटर बनना पड़ सकता है, क्यों डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर और पुलिस वाले का पुलिस वाले बनेगा, यार सबको अधिकार है, अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो पूरा अधिकार है हमें सोचने का, हमारे मन के फैसले करने का, एक
चेहरे पे, अपने फेस पे एक मुस्कान लेके चलते हैं हम इस दुनिया के सामने, और किसी को भी नहीं दिखाते कि हम कमजोर हैं। कैसी भी हो हमारी जिंदगी अंदर से, हम अपने घर से दूर रहते हैं, अपना एक घर बनाने के लिए अपने माँ बाप को अकेला छोड़ते हैं, जो माँ एकदम हमारे लिए खाना बनाती थी, जो पानी लेके आती थी हमारे बिना बोले, अब हमें खुद अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। माँ का फोन आने पे हम खुश होकर दिखाते हैं बिना उन्हें बताए कि हमें अंदर ही अंदर क्या बीत रही है हमारे। सैड सॉन्ग सुनते हैं हम और दिल के अंदर हजारों सुइयां चुभती है हमारे, हमारा भी तो दिल टूटता है, अंदर ही अंदर मरते हैं हम। हर लड़की इनोसेंट नहीं होती और हर लड़का गलत नहीं होता। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? मैंने थोड़ा दिल से बोल दी बातें, बट मुझे लग रहा था कि बोलनी चाहिए सारी बातें। मैं नहीं बोल रहा कि सारे लड़के ही अच्छे हैं या सारी लड़कियां ही अच्छी हैं, लड़का लड़की जात पात, कोई विदेश में है कोई भारत में, सिर्फ दो चीज़ों से हमें देखना है, एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान, ना कि लड़का और लड़की, याद रखना। आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और हफ्ते के अंदर एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर आएगी आप सबके लिए, इतना मोहब्बत और प्यार मिलता है आप सबसे। एंड आप ज़रूर बताना आपको, जो मैं इतनी सारी शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, आपको कौन सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे, ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाता हूँ रहूँगा आप सबके लिए। एंड नाक बंद है मेरी। और बैकग्राउंड कैसा लगा आपको वीडियो का ज़रूर बताना, मेहनत लगी यार इसे बनाने में, मैं इसी वजह से लॉन्ग वीडियोज़ नहीं ला रहा था कि सब चीज़ परफेक्टली होगी जब लाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।